दोस्तों, उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट की सड़कों से हर रोजाना जाने कितने लोग गुजरते हैं, लेकिन इनमें से शायद कुछ ही ये जान पाते हों कि उनके पैरों तले 170 साल पुराना एक राज छुपा है। इस जगमगाते शहर के ठीक नीचे बहती है फारसेट नदी। इस नदी के नाम पर ही इस शहर का नाम बेलफास्ट रखा गया है। बेलफास्ट की तरक्की और समृद्धि में भी इस नदी का अहम रोल रहा है, लेकिन आज ये नदी दुनिया की नजरों से ओझल होकर खामोश जमीन के नीचे चली गई है। आयरलैंड के प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर और रिवर ऑफ बेलफास्ट अ हिस्ट्री के लेखक डेस ओ रायली कहते हैं कि शहर को व्यापारिक केंद्र हाई स्ट्रीट में अगर आज किसी से इस नदी के बारे में पूछा जाए तो हो सकता है कि कोई भी इसका जवाब ना दे। आज ये लोग भूल चुके हैं कि बेलफास्ट को शहर की शक्ल में पनपने का मौका फारसेट नदी ने ही दिया था। आज जहां शहर के बड़े दौलतमंद इलाके हाई स्ट्रीट और विक्टोरिया स्ट्रीट आबाद हैं, वहां कभी रिवर लगान और फारसेट नदी का मुहाना होता था। आज यहां मशहूर सेंट जॉर्ज चर्च है, लेकिन ये चर्च भी एक प्राचीन गिरजाघर की जगह पर बनाया गया है। बताया जाता है कि 800 साल पहले श्रद्धालु यहां प्रार्थना करते थे। उनकी ख्वाहिशें होती थीं कि वो फारसेट नदी सुरक्षित तौर पर पार कर सके। चूंकि इस नदी के मुहाने पर अक्सर दलदली मिट्टी जमा होती रहती थी और पानी का उफान तेज रहता था, जो भी लोग इसे पार करते थे उनकी जान को खतरा ज्यादा हुआ करता था। साल 1600 में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट फेरके को मानने वाले लोगों ने यहां आना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने फारसेट नदी पर घाट बनाने शुरू कर दिए। हाई स्ट्रीट में आज बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लेकिन एक दौर था जब यहां जहाज चलते थे। बड़े बड़े जहाज इन घाटों पर आकर रुकते थे, जिनमें शराब, मसाले और तंबाकू लादे जाते थे। बड़े जहाजों से सामान उतारने के बाद छोटी छोटी नौकाओं से पूरे आइलैंड में पहुंचाया जाता था इस सामान को। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से जितने भी लोग यहां आए वो सभी व्यापारी वर्ग से ही थे, लिहाजा उनके यहां आने से बेलफास्ट में व्यापारिक गतिविधियां बड़े पैमाने पर होने लगी। शराब की फैक्ट्रियां, कपड़ा मिलें और अन्य फैक्ट्रियां खुलने लगीं। इन फैक्ट्रियों ने ही आगे चलकर यहां औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। 18वीं सदी के अंत तक फारसेट नदी ने ही बेलफास्ट को दुनिया का सबसे ज्यादा कपड़ा तैयार करने वाला शहर बना दिया। उस दौर में यहां की कपड़ा फैक्ट्री में करीब 50,000 लोग काम किया करते थे, जो फारसेट नदी के जरिए ही बेलफास्ट तक पहुंचते थे। इस नदी ने शहर की तस्वीर ही बदल कर रख दी थी, लेकिन आज ये नदी एक गटर से ज्यादा कुछ नहीं है। हिडन हिस्ट्री बिलो अवर फीट, द आर्कियोलॉजिकल स्टोरी ऑफ बेलफास्ट के लेखक रुआयरी ओ बॉयल का कहना है कि जिन फैक्ट्रियों को फारसेट नदी ने आबाद किया था, उन्हीं फैक्ट्रियों के कचरे ने इसे तबाह कर दिया। 19वीं सदी की शुरुआत होते होते नदी से इतनी ज्यादा बदबू आने लगी थी कि शहर की कमिश्नरी ने इसे पूरी तरह से बंद करने का आदेश दे दिया और 1848 में 10 लाख ईंटों से नदी को दफन कर दिया गया। शहरी पुरातत्विक ओ बॉयल का कहना है कि भले ही ये नदी आज किसी को नजर ना आती हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये खत्म हो चुकी है। जमीन के नीचे ये आज भी बहती है, लेकिन एक गटर की शक्ल में। आयरलैंड के इतिहास में छोटी छोटी नदियों का बड़ा योगदान रहा है। लोगों को इन नदियों की अहमियत से वाकिफ करना बॉयल का मिशन बन चुका है। इस काम में वो अकेले नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में नजरअंदाज कर दी गई नदियों को फिर से जिंदगी देने की कोशिश शुरू की गई है। हाल ही में बेलफास्ट सिटी काउंसिल ने फारसेट नदी की अहमियत का जश्न मनाने के लिए पूरे शहर में कार्यक्रम का आयोजन किया था। प्रोफेसर ओ बॉयल का कहना है कि एक दौर था जब फारसेट नदी के किनारे लोगों की चहल पहल रहती थी, क्योंकि सारी व्यापारिक गतिविधियां यहीं से शुरू होती थी, लिहाजा यहां बड़े बड़े गोदाम, रेस्टोरेंट और सराय आबाद होने लगे। हाई स्ट्रीट की तंग गलियों में बड़े बड़े व्यापारी रहते थे, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए नदी को पार करना पड़ता था, इसलिए यहां पर एक छोटा सा फुट ओवर ब्रिज बनाया गया। ब्रिज स्ट्रीट का नाम इसी फुट ब्रिज के नाम पर पड़ा है। हाई स्ट्रीट की पतली गलियां मल्लाहों के लिए बांध का काम किया करती थी। यहां भारी संख्या में मल्लाह रहते थे, इसलिए हाई स्ट्रीट में जितने पुराने पब हैं उनमें ज्यादातर के समुद्री नाम हैं, जैसे मरमेड इन और वगैरह वगैरह। उत्तरी आयरलैंड के डिपार्टमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिवर के इंजीनियर फ्रैंकी मेलन के मुताबिक, जब से इस नदी को पाटा गया है तब से अब तक
डिपार्टमेंट के सिर्फ दो ही मेंबर्स को इसके अंदर जाने का मौका मिला है। मेलन बताते हैं कि नदी पर जिस तरह की पतली ईंटों से मेहराबें बनाई गई हैं, वो महज आधा मीटर मोटी हैं, जिनके ऊपर लकड़ी के खूंटे गड़े हैं। 1800 में इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल काफी मुश्किल था, लेकिन अच्छी बात यह है कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी ये सही सलामत है। सिर्फ एक हिस्से में थोड़ी सी दरार आई है जहां से पानी रिस रहा है। मेलन बताते हैं कि वर्षों पहले उनके पूर्वज इसी नदी के सहारे आयरलैंड की लिनेन फैक्ट्री में काम करते थे और फिर वहीं बस गए। इस नदी से जुड़ी बहुत सी कहानियां हैं। मेलन खुद को खुशकिस्मत बताते हैं कि उन्हें आयरलैंड में बसाने वाली नदी का वो राज पता चल गया, लेकिन आने वाली नस्लों को शायद इसके बारे में ज्यादा जानकारी ना मिले। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और मिस्ट्री बस को सब्सक्राइब कीजिए।